आज अंबाला आ रहा है गेम चेंजर राफेल। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत का बाहुबली यानी राफेल आज भारत आ रहा है। दोपहर में 5 विमानों का पहला बेड़ा आज दोपहर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरेगा, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सैन्य अड्डे के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों को रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। राफेल के अंबाला में आज लैंडिंग के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और फोटोग्राफी से लेकर घर की छतों पर लोगों की मौजूदगी को बैन कर दिया गया है। जब राफेल विमान की लैंडिंग अंबाला में होगी तो पानी की बौछारों से इन्हें सलामी दी जाएगी। अंबाला में चप्पे चप्पे पर है सुरक्षा बलों की नजर। 4 गांवों में धारा 144 लागू। अधिकारियों ने बताया कि इन विमानों में 1 सीट वाले 3 और 2 सीट वाले 2 विमान होंगे। अधिकारियों ने अंबाला सैन्य अड्डे के आसपास निषेधाज्ञा जारी कर तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने पहले बताया कि अंबाला जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा जारी कर सैन्य अड्डे के 3 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी है। धूलकोट, बलदेव नगर, गरनाला और पंचखोरा सहित सैन्य अड्डे से लगे गांवों में 144 लागू कर 4 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी राफेल ताकत से कैसे उड़ेंगे दुश्मनों के होश। राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्केल मिसाइल है। 150 किलोमीटर के बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। ये लड़ाकू विमान परमाणु आयुध का इस्तेमाल करने में सक्षम है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देश्य लड़ाकू विमान है। राफेल 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। ले जैसी जगहों पर काफी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3700 किलोमीटर तक की है।